हम सभी को कभी न कभी तेज सिरदर्द हो जाता है। दर्द से आराम पाने के लिए हम अक्सर गहरी नींद में सो जाते हैं। अमेरिका में रहने वाली एक महिला को सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और वो सो गई। लेकिन जब वो उठी तब वो किसी दूसरे देश के नागरिक के लहजे में बात कर रही थी। अमेरिका के एरिजोना में रहने वाली 45 साल की मिशेल मायर्स ने अपने साथ हुए अजीबोगरीब किस्से को साझा किया। उन्होंने हाल ही में ABC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कुछ वक्त पहले सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और वो बिस्तर पर जाकर सो गई। जब वो उठी तो उन्होंने पाया कि वो अपने आप ऑस्ट्रेलियाई और आयरिश लहजे में बातचीत कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते तक वो ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के लोगों की तरह अंग्रेजी बोलती रही। इसके बाद अचानक उनकी जुबान पर ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सेंट चढ़ गया और 2 सालों तक उन्होंने वैसे ही बात की। आपको बता दें कि मिशेल अमेरिका में ही पली बड़ी है और ये तमाम लहजे उन्होंने सीखे नहीं थे। डॉक्टरों की जांच के बाद पता चला कि मिशेल को फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम हो गया है। इस बीमारी में इंसान अपने आप कोई विचित्र लहजे में बात करने लगता है जो उसने कभी नहीं सीखा होता। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ लोगों को सिर में चोट लगती है या स्ट्रोक पड़ता है जिसके बाद वो अपनी मातृभाषा किसी और लहजे में बोलने लगते हैं। 2010 में अमेरिका की एक महिला सीढ़ियों से गिरी और होश में आने के बाद वो रूसी लहजे में बात करने लगी थी। इस बीमारी का पता पहली बार 1907 में लगा था। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।